And now we will see what these leadership characteristics are, and one of them, and of course top of them is linguistic competence. First one are verbal skills. एक अच्छा लीडर जो है सबसे पहले वो कम्युनिकेट करना जानता है छोटे बच्चे जो सबसे अच्छा बोलते हैं सबसे साफ बोलते हैं मौके पे बोलते हैं जो बात करनी होती है मौके पे उनको वो मुनासिब अल्फाज आते हैं वो आगे चल के अच्छा लीडर साबित होते हैं देन ब्रॉड वोकैबुलरी एंड द यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा अटक अटक के भी बोलते हैं कतलाहट से भी बोलते हैं कुछ बिल्कुल साफ बोलते हैं कुछ सिर्फ अल्फाज बोलते हैं और अपना मतलब बयान कर देते हैं कुछ उनके जुमले भी बनाना जानते हैं कुछ जुमले बनाते हैं कुछ उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बना लेते हैं तो अब जिसकी जितनी ज़्यादा वोकलाइजेशन वर्बल स्किल्स अच्छी होंगी वो आने वाले दिनों में एक अच्छा लीडर बनेगा अब देखिए इसमें दोनों फैक्टर्स हैं बायोलॉजिकल फैक्टर भी है और एनवायरमेंटल फैक्टर भी है कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि बच्चे की ऑब्जर्वेशन वैसे ही बड़ी तेज़ होती है लेकिन जो जहीन बच्चे हैं जिनके अंदर लीडरशिप है वो ज़्यादा तेजी से सीखेंगे लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर ये है कि आपने उनको वो वैकेबलरी या मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जो उनका इंटरेक्शन था वो आपने उनको प्रोवाइड किया या नहीं किया जितनी ज़्यादा चीज़ों से वो वाकिफ होंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ों के उनको नाम आएंगे तो वो जो हम ई सी डी की बात कर रहे थे उसमें यही तो होता है आप उनका मैथ के साथ लैंग्वेज के साथ उनका वर्ल्ड अराउंड के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को वो देखते हैं. एक दिन में कितने ही वो चीज़ें हैं जिनको वो ऑब्जर्व करते हैं तो ज़ाहिर है उनके नाम भी सीखते हैं और फिर जब नाम सीखते हैं और बार बार कम्युनिकेट करते हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ भी आते हैं सो देन इज एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद देयर एज मेट्स अब आप कभी सुने बच्चों को बैठे हुए आपस में बातें करते हुए तो वो कभी कभी ऐसी हैरत अंगेज बातें कर जाते हैं कि बड़े भी वो नहीं सोच रहे होते वजह इसकी ये है कि वो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को बड़ों को सुनते रहते हैं आपने अगर आज कोई बात कर दी है और आप भूल गए आपको याद भी नहीं लेकिन आने वाले दिनों में आप कहीं ना कहीं किसी मौके पे बच्चे को वही बात करता हुआ पाएंगे जिसका मतलब है कि हमारी सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग आवर यूज़ ऑफ लैंग्वेज उनके अंदर रिकॉर्ड होता रहता है सो so इसीलिए हम कहते हैं कि हम वर्गर लैंग्वेज जो है वो घरों में यूज़ ना करें कोई गाली ना यूज़ करें किसी को बुरा भला ना कहें क्योंकि वो कल को वही अंदाज वही अल्फाज वही चीज़ें सीखेंगे बहरहाल हम तो बात कर रहे हैं लीडरशिप की तो आप देखिए वो बच्चे बेहतर लीडर साबित होते हैं जिनके बोलने का अंदाज़ दूसरों के मुकाबले में बेहतर है तेज है और ऑन द टाइम वो चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि क्या कहना है यंग लीडर्स आर मोर लाइकली देन देयर सेम एज कोहर्स टू प्रमोट कम्युनिकेशन ऑफ प्ले एंड इंट्रेक्शन बाय लिसनिंग कुछ बच्चों को आप कुछ कह रहे हैं वो बात सुनते नहीं कुछ ऐसे हैं जो बड़े गौर से सुन रहे होते हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं फिर जब वो गौर से सुनते हैं फिर उसको कहते हैं और फिर अपने बच्चों में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप किसी भी ग्रुप ऑफ चाइल्ड को देखें कि वो जब खेल रहे हों तो उनमें कोई ना कोई एक या दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो तो दूसरों को बार बार कुछ तजावीज़ पेश कर रहे हैं आओ हम ऐसा करते नहीं ऐसा नहीं आओ हम ये करते अच्छा यूं भी तो कर सकते मतलब ये कि जो उसमें ज़्यादा सुजेशन दे रहा होगा जो ज़्यादा लोगों को लीड कर रहा है वही अच्छा लीडर है जो दूसरों को तजावीज़ दे रहे हैं तो ये एक नेचुरल uh, फैक्टर है कि उसकी डिसीशन मेकिंग भी ज़्यादा अच्छी होगी और वो अपने हम उम्र जो बच्चे हैं उनसे भी बेहतर कम्युनिकेट कर सकता है सो कम्युनिकेशन इज़ कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक फॉर द लीडर्स तो अब साबित ये हुई बात कि जो टॉप क्वालिटी है हमारे छोटे लीडर्स में उनमें सबसे बड़ी जो है वो है कम्युनिकेशन आप देखिए कम्युनिकेशन वैसे भी दुनिया में हर चीज़ का सोर्स है आप कम्युनिकेशन के जरिए अपना भी मुद्दा बयान करते हैं और दूसरे की बात को भी सुनते हैं एब्जॉर्व करते हैं समझते हैं फिर एक्शन है फिर रिएक्शन है कुछ वो कहेंगे कुछ आप उनको जवाब देंगे तो यहीं से फिर डिसीजन मेकिंग शुरू होती है यहीं पे आपका मेंटल थॉट प्रोसेस होता है जब ये ये कह रहे हैं तो मुझे क्या जवाब देना है तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आप जो बच्चे हैं वो कम्युनिकेशन से सीखते हैं तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी कभी बातें आप गौर से सुने पिछले दिनों मैं एक बच्ची का वाक्य आपको बताती हूँ कि उनको किसी ने कहा कि जी शहद की मखियाँ हैं उस उनके घर में थी शहद की मखियाँ हैं तो वो चूंकि शहद उतार लिया तो वो चली गई तो बच्ची कहती है मुझे छोड़ के चली गई हैं मतलब ये कि अब उसको एक ये पता है कि जब भी कोई चला जाता है वो किसी को छोड़ के जाता है तो अब अब बच्चे की उम्र आप समझ लें ढाई साल दो साल तो अब ये जो मौके के ऊपर किसी सेंटेंस को बोलना है और उसकी एक रिलेशनशिप बनानी है कि किस मौके को जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं एक्सक्यूज़ मी थैंक यू आई एम सॉरी तो वो उनको पता है ना कि किस वाक्य के साथ इसको रिलेट करना है गिफ्ट मिलेगा तब थैंक यू कहना है कोई अब हम कहते हैं बच्चों को कि आप इनको हाँ हमारे इस्लामिक वर्ड्स भी सिखाएं जजाकल्ला इनशाला माशाल्लाह तो जो जो वर्ड्स वो सीखेंगे उनको किस मौके पर उन्होंने कहना है प्रॉपरली कैसे बोलना है दिस इज वॉट एक्चुअली मेकिंग देम अ गुड लीडर यानी डिसाइड करें वो अपने कि क्या उनको कब कहना है सो कम्युनिकेशनल स्किल्स आर द बेसिक स्किल्स फॉर बिकमिंग अ लीडर